गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आज अपने ब्लॉग की शुरुआत करने जा रही हूँ सुबह से। अभी 8 बजे का समय है और मैंने पूरे घर का काम निपटा दिया है। खुद भी बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ और नाश्ते में आज मैंने बनाया है पोहा, क्योंकि अर्श की डिमांड थी कि मम्मा पोहा खाना है, तो मैंने अपने और अनुज के लिए भी पोहा ही बना दिया। अभी हम करेंगे सिर्फ पूजा, फिर उसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मैंने लगा दिया है, आज हमने पोहा ही बनाया, तो पोहा ही मैं आज हम खाएंगे। और दूध रखा है मैंने गर्म करने, और दूध अभी नहीं दूंगी क्योंकि ये ले आया है नारियल। फ्रेश फ्रेश नारियल लग रहे हैं, देखो बिल्कुल हरे हरे। पानी भी मैं बहुत होगा, लेकिन पहले पोहा मैंने गर्म कर दिया, इसको खा लो फिर पीते हैं नारियल पानी। ओके, तो फ्रेंड्स आज हो रहा है अर्श का स्कूल का कुछ काम, उसको कुछ असाइनमेंट्स दी हुई हैं, तो उसी के बिहाब पे जो है वो मीनाक्षी जो है वो लगी हुई है असाइनमेंट्स कंप्लीट करने। मैं नहीं लगी हूँ कंप्लीट करने, वो बनाई थी उसने, क्योंकि ऐसा काम करने के लिए तो खुश रहता है, लेकिन पता नहीं ग्लू से कर दी थी और ये सारी निकल गई सुबह। इनकी डेट मतलब वो करेगा काम, लेकिन ऐसा करेगा कि वो पक्का वाला काम नहीं होगा। फिर घूम फिर के वो उसकी मम्मा को ही कंप्लीट करना पड़ता है। मैंने बोला ये क्लियर लगा के ये मतलब थोड़ा फेविकोल से अच्छी पेस्ट हो जाएंगे, तो कि ये पेस्ट और अभी सूखने देते हैं। शेप्स का है ना ये? हाँ, शेप्स मैथ का मॉडल लेना है, टू शेप्स का ये ट्राइंगल उसने ग्लू से की थी ऐसे, आप बीच बीच में लगाया था, लगाया था पूरी निकल रही थी सुबह। फिर मैंने बोला आज रहने दे, आज है भी नहीं डेट इनकी सबमिशन की, कल तक ही है, तो फिर मैं दिन में अच्छे से फेविकोल लगा के उसको खा लूंगी। और बाहर पड़ गई बारिश, लगी है बहुत जोरों की बारिश, और बिजली का कड़कड़ाना भी आपको सही सुनाई दे रहा होगा, बहुत जोर की, तो आग बहुत जोर की हो रही है, पता नहीं कैसे। और कपड़े मेरे सूख गए हैं क्योंकि मैंने रात को ही धो दिए थे, अभी 1-2 घंटे को धूप लगी गई 7 से 10 बजे तक, 10 बजे पड़ी बारिश। लंच वगैरह बना के अभी अनुज भी आ गए और हम निकल गए हैं अब अर्श को लाने, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश का मौसम हो गया है बाहर, तो अर्श को ले आते हैं स्कूल से। इतने सीरियस क्यों हैं? इतने सीरियस क्यों हैं? नहीं होगा स्कूल की बारिश आने वाली है, बाहर का मौसम आ गया, क्योंकि मैं नहीं गई थी इसको लाने, यहाँ बाहर स्कूल के सामने बहुत भीड़ हो जाती है, तो फिर मैं यहीं पे थी गाड़ी में। घूमने जाऊंगा आज रात को, चल पड़ेंगे। अच्छा जी, ऐसा नहीं है, दे दिया मैम के पास असाइनमेंट, कल भी देनी है इंग्लिश। और टेस्टी, अब खाना खाना है पहले घर में जाके। एसी आज मैंने दोपहर को काम किया एसी साफ करने का, क्योंकि बहुत धूल जम गई थी इसमें भी, और अब ठीक हो गया ना। लंच लगा दूं? लंच लगा दूं? यार उसके कपड़े करवाने हैं अभी, चेंज कपड़े नहीं चेंज कर रहा। लंच लगाओ जल्दी। स्कूल से लेके आ गए अभी रुद्रांश को, स्कूल से लेके आते हैं, अब लगे हैं लंच करने हम। कैसा बन रखा है लंच? अच्छा तो बना है, बिरयानी।
और यहाँ पे खा रहा है पोहा। इसने आज लंच बॉक्स अपना पूरा फिनिश नहीं किया है स्कूल में, हाफ ही खाया था। कोई बात नहीं, पोहा ज्यादा हो गया होगा। ज्यादा हो गया था आज तो पूरा चाशन। कोई बात नहीं, अभी फिनिश कर लो, राइस भी खाओ दाल भी खाओ। थोड़ा राइस दाल भी ले लो। पापड़ बहुत ज्यादा खा लिया है। पापड़ दाल आपकी फेवरेट है, येलो वाली। हाँ आपने फेवरेट भी नहीं है, रात को खिलाऊंगी तो फिर मैं ये खिला लेना, मजा खिला लेना। ओके ओके, इसको रोटी के साथ भी दाल अच्छी लगती है तो ज्यादा अच्छी लगती है। अभी कर लेते हैं लंच। अभी हम कर रहे हैं तैयारी, तैयारी के पैकिंग लगे हैं करने, क्योंकि हमें जाना है कहीं टूर पे। तो आगे की वीडियो काफी इंटरेस्टेड होने वाली है, तो प्लीज जरूर देखिए, पूरी वीडियो देखिए, बहुत मजा आपको आने वाला है। और कहाँ जाएंगे वो तो आपको ब्लॉग्स में पता ही चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं घूमने। तो अभी तो कर लेते हैं हम फटाफट पैकिंग। सामान जो है इन्होंने पूरा अपना निकाल दिया है, अपने 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 ड्रेसेस जो है वो बिल्कुल प्रिपेयर कर रहे हैं ये जाने के लिए। और मैं इनको कह रहा हूँ कि डे वाइज अपने ड्रेसेस जो है वो डिसाइड कर लो, ऐसा नहीं कि आप 3 से 4 दिन के लिए जा रहे हैं और ड्रेस जो है वो 8 से 10 आप ले जाओ। फ्रेंड्स शाम का टाइम हो गया है तो मैंने कुछ खाने की तैयारी भी कर ली, सब्जी शिमला मिर्च की काट के बना दी, आटा भी लगा लिया। और मेरे पास बहुत दिनों से एक लौकी पड़ी थी, ना लौकी की सब्जी मेरे घर में ये खाते हैं ना अर्श खाता है, और कोफ्ते बनाऊं तो वो भी नहीं खाना चाहते, कि पकौड़ों की सब्जी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ इसकी कुछ स्नैक्स, मैं अब इसमें कुछ स्नैक्स टाइप बनाऊँगी। लौकी मैंने कद्दूकस कर ली है, अब मैं इसमें डालूँगी बेसन हल्दी नमक, फिर इसको फ्राई कर दूंगी और सॉस के साथ देती हूँ, फिर अच्छे से खाएंगे ये सब। इसमें बेसन हल्दी नमक अजवाइन जीरा सब डाल दिया है, अब इसको अच्छे से इसमें गूंद लेंगी जिससे इसकी बाइंडिंग जो है ना वो अच्छी बन जाए। मिला लूँगी लौकी और बेसन का पेस्ट मैंने अच्छे से बना लिया है, अब मैं इसको ऐसे हाथ पे रख के इनकी अच्छी सी गोल गोल शेप बना लूँगी, फिर इनको ऑयल में अड़ते पड़ते हुए अच्छे से सेक लूँगी। कैसे जल रही क्या ये बना ली टिकिया, इनको हल्का हल्का मैंने सैलो फ्राई कर लिया, अगर आप चाहें तो ये सैलो फ्राई भी हो सकती है तवे के ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल लगा के, लेकिन मैंने थोड़ा तेल में फ्राई कर लिया ताकि क्रिस्पी क्रिस्पी बन जाए। बिल्कुल रेडी है, अब मैं इनको सर्व करूंगी। मजा आया आपको भी देखती हूँ, आया मजा। ओके चलो खाओ, पापा को भी लाती हूँ। इनको भी कर दिया है सर्व, ये कर रहे हैं फोन पे बात, फिर ये भी टेस्ट करेंगे, इनसे पूछेंगे कैसे बना है, कैसे बनी है। अच्छी मैंने खाओ बेटा। कैसे लगे आपको स्नैक्स? अच्छे हैं, बढ़िया। किस चीज के हैं? किस चीज के ये? अच्छा लौकी के। अरे बाप रे, लौकी खिलाई लेकिन फील नहीं आई लौकी वाली। अगर मतलब ये तो भाई मन का ही भ्रम होता है, दिख नहीं रहा है, मन का ही भ्रम होता है। वैसे ऐसे पहले से पता रहता है कि हाँ ये लौकी के स्नैक्स हैं, तो हम खाने में थोड़ा सा ऐसे पहले से मूव बनाते, लेकिन पता नहीं था तो ऐसे लगा कि नहीं यार बहुत अच्छे स्नैक्स थे, मज़ा आ गया। सब्जी आप खा नहीं रहे कितने दिन से पड़ी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना टिक्की बना दूँ। मैंने वैसे सब्जी फ्राई करके क्रंची हो गई ना, फिर आलू जैसा ही लग रहा होगा आपको। ये थे करने, वो भी आधी छोड़ी, अपने काम में लग पड़े और मैं भी डिनर की तैयारी लग पड़ी।
और लौकी वगैरह उसके स्नैक्स। और अभी करती हूँ पैकिंग, फिर डिनर करेंगे। इसकी वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।